हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल होमवर्क आर्ट क्रिएटिविटी पर। आज हम करने वाले हैं रविंद्रनाथ टैगोर पर एक निबंध, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसे प्रकाश स्तंभ थे जिन्होंने अपने प्रकाश से पूरे संसार को आलोकित किया था। उनका जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ था। उनके पिताजी का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था और माताजी का नाम शारदा देवी था। रविंद्रनाथ जी को संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी, चित्रकला और संगीत की शिक्षा के लिए अध्यापकों को घर पर ही नियुक्त किया गया था। सन 1868 से सन 1874 तक इन्होंने स्कूली शिक्षा प्राप्त की थी। 17 साल की उम्र में इन्हें वकालत की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेजा गया। रविंद्रनाथ जी ने अनेक कविताएं, लघु कहानियां, उपन्यास, नाटक और निबंध लिखे थे। उनकी साहित्य सेवाओं के लिए उन्हें सन 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वे देश व मानवता के पुजारी भी थे। रविंद्रनाथ जी की मृत्यु 7 अगस्त 1941 को कलकत्ता में किडनी इन्फेक्शन की वजह से हुई थी। विश्व साहित्य के अद्वितीय योगदान देने वाले महान कवि, उपन्यासकार और साहित्य के प्रकाश स्तंभ के रूप में टैगोर जी को आज भी याद किया जाता है। तो ये था एक निबंध रविंद्रनाथ टैगोर पर। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।